करने कुछ गए थे, कुछ और ही हो गया, कुछ उल्टा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ लॉस हो गया, कुछ कदम पीछे आ गए, अब क्या? अब एक हदीस को याद रखिए, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युल्दगुल मोमिन फी जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन एक बिल में दो बार नहीं डसा जाता। एक बिल में डसे गए ना, फिर से उसी बिल में मत डसे जाना। एक बिल में मोमिन दो बार नहीं डसा जाता। एक ही गलती में जाकर दो बार पड़ गया, मोमिन ऐसा नहीं करता है। मोमिन कैसा होता है, एक बार मिस्टेक हो सकती है इंसान से, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती हो गई, दूसरी बार मत करना। पता चला अपनी गलतियों से सीखना, क्या गलती किए, वो गलती से आदमी सीखे और आगे ज़िंदगी में वो गलती रिपीट ना करे। अगर हमें ये चीज़ सीख जाएँ तो मेरे भाई मेरी बहनें, ज़िंदगी सबसे बड़ी ट्यूशन क्लास देगी। ज़िंदगी के लेसन जो होते हैं ना, वो सीख सीख कर क्या होता है कि इंसान कई गलतियों को सुधारते सुधारते सीखते सीखते आखिर में तजुर्बेकार बनता है, ज़िंदगी का तजुर्बा। और ज़िंदगी का तजुर्बा इसी वजह से बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक बार बिल में डसे गए, फिर से उसी बिल में फिर से डसे जाएंगे, फिर तीसरी बार डसे जाएंगे, फिर चौथी बार डसे जाएंगे, बार 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 वही गलती फिर से करेंगे। मुस्लिम ऐसा नहीं करता। मुस्लिम की खूबी ये होती है कि वो एक बिल में दो बार नहीं डसा जाता, मतलब अपनी गलतियों से सीखना।